मथाम्बिकां स देवीं सर्वक्षणं ववर्षं समरेश्वर यथा मेरुगुरे सिंहं तोयवर्षेण तोयदा तस्य चित्ता ततो देवी लीलीयं शरोत्करां जगान्तृगान् बाणैर् यान्त्रं चैव गाजिनां चिचे च धनुसर्गोध्वजं प्राति संवृच्छितं बिभ्रात् चैव गात्रिषु छिन्नधन्वा नमाशु गैश्च छिन्नधन्वा विरतो हताशो हतचारिति अर्धधां तां देवी खड्गचर्मधरुषुदा सिंहमाते खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान् भुजे सभ्ये देवीम् अप्यतिवेगिवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य कपाल निर्पनंदना ततो जग्राशूलं च कोपादरुण लोचना चिक्षेप्य ततस्त भद्रकालं महाश्रजाजो लवणं तेजोभि रविबिम्बिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पत्शूलं देवी शूलं मुच्यत तच्छूलं सत्तदा तेन नीतं सच महाशुरा हते तस्मिन् महावीरी महिषस्य चमूपते आजगमान् गजारूढश्च अमरश्रीदशाधन सोऽपि शक्तिं मोमोचात् देव्यस्ताम्बिका दुरितं हुङ्काराभ्येतां भूम पापयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्टां क्रोधशमनुता चिक्षेप्यामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिण तथा सिंहासमुत्पद्य गजकुम्भान्तरे स्थिता बाह्ययुधेन युधे तेज नोच श्रीदशाधन युद्धमानो ततस्तोतु तस्मान्नागान् महीं गतौ यो धाते संग्रद्वो प्रहारे रतिदारुण ततो विघात समुत्पत्य निपति च मृगारण कर प्रहारे शिरस्यामरस्य पृथक कृतम उदक रचरण देव शिलावेक्षा दिभिर्हता दंत मुष्टितले चैव कराल से निपाति देवी कृद कथा पाते चूणियामा चोदतम वाक लंबिन निपालन बाणे सारम तथांतकम उग्रा च मुग्र वीरियम च तथैव च महाहनुमत नेत्रा चतुर्शूलन जगान परमेश्वरी बड़ा लक्ष्याशिना कायात पातियामा सुबह शिरा दुर्धरम दुर्मुखाम शोभो सरे यमक्षय एवं संक्षय माने तु सचैन्य महिषाश्र महिषेण स्वरूपेण त्राच्यामा स्थान गणान कांचित उन प्रहार महादेव कोपम चक्रे ततोंबिका सोपि कोपान महावीर कुरुचंड महित श्रीगिवाम पर्वतानुचा शिक्षिप्त वेग भ्रमण विक्षुण महित वशीरियत लांगूले नहाताब्दी प्लावयामाश सर्वता धूत श्रृंग विभिन्न खंडम खंडम युर्गना स्वाथा निलासा सत्व निपे तोर्निभसो चला इति क्रोधान समाद माद मा पतंत महाश्रम दृष्ट व चंडिका कोपम तद्वध्याय तदा करो सचिप्ता तस्यम वैपाशम तम भवंत महाश्रम तथा जमाइसम सूपम बोसोपि बद्धो महामृदे तथा सिंगो भवत सद्यो यावत श्यांबिका शिरा छिन्न तावत पुरुष खड्ग पाणिर दृश्य तथा तत एव पुरुषम देवी चिक्षेप छाई कहत खड्ग चर्मणा सार्धम तथा शोभून महागज करण च महासिंगम तम चकर्थ जगर्थ च कर्त तस्तु करम देवी खड्गे निर्कृण तथा ततो महाश्र भूय महिषम वपुरास्य तथा शोभियाम सलोक्यम सचराचरम तथा क्रोधा जगन्माता चंडिका पानमुत्तम पपो पुनः पुनः सैव जाहा सरुण लोचना नरर्थ चासुरा सोपि बलवीर मधुदता विषाणाभ्यं चिक्षिप चंडिकां प्रतिबोधनां सान परितासें चूणियंतीं सरुत्तरे उवाचितं मधुद धूत मुख रागा कुलक्षरम देवी वाच गर्ज गर्ज क्षण मूड मधु यावत् पिमाम्यहं मया त्वय हतृतैव गर्जयिष्यन् चासु देवता ऋषिवाच एव मुक्ता समुत्पत्य शारुणां तं महाश्रम पादे नाकर्म कंठ च स्थूले नेन मताड़य तथा सोपि पदाक्रांतस्य निज मुखस्थ अर्ध निष्कांत एवासीद देव्या वीर्येण संभृता अर्ध निष्कांत एवासे विद्यमानो महाश्रा तया महाश्र देव सृचित्वा निपातिता अर्ध निष्कांत एवासो विद्यमानो महाश्र तया महिष्ण देव सृचित्वा निपातिता ततो हाकृतं सर्वं दैत्यसेनं ननाश तत् परहर्षं च परं जगमु सकृता सकला देवतागणा सुष्ठुवतां सुरा देवी सह दिव्यैर्महिषिभिः जगुर्गन्धर्वपतिं ननुते चक्षुर्गणा ओं इति श्रीमार्कण्डेयसंवर्तिमनुते देवी महात्म्यं महिषासुरवधूनां तृतीयोऽध्यायः।